हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जनाब हमारे एक्साइटिंग मोमेंट्स का आगाज़ होने वाला है। हम पाइथन की सारी बेसिक्स को पढ़ चुके हैं और हम अब आ रहे हैं जनाब अपनी लाइब्रेरीज की तरफ। तो आज हम जनाब बात करेंगे नंपाई और पांडास के बारे में। नंपाई और पांडास, नंपाई एब्रीवेशन है न्यूमेरिकल पाइथन की। ये हमें वो सारी फंक्शनैलिटी देती है जिसकी बेस पे हम अपने डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जनाब? सारी टेक्निक्स कि हम अपने डाटा को कैसे लोड करेंगे, स्टोर करेंगे मेमोरी के अंदर, और डाटा को कैसे हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। डाटा सेट हमारे पास बहुत सी वैराइटीज़ में आता है। डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आता है, इमेजेस में आता है, साउंड में आता है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट में आता है, और बहुत बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है हमारे पास डाटा की। लेकिन लकीली जनाब हमारे पास जहाँ पे पाइथन जो है अरेज के अंदर सारे के सारे डाटा को हैंडल करने की हमें फैसिलिटी दे रहा है, और बहुत अच्छे ईजी वे में। अगर हम इमेजेस को देखें जनाब, इमेजेस को हम टू डायमेंशन अरे में थॉट कर सकते हैं जनाब, कि हम कह सकते हैं कि पिक्सल की ब्राइटनेस अक्रॉस द एरिया टू डायमेंशनल होगी। इसी तरह से हम साउंड को देख सकते हैं जनाब, अरेज की फॉर्म में हम देखेंगे वन डायमेंशन इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। और इसके अलावा जो टेक्स्ट और नंबर्स को, तो ऑब्वियसली हम जो है अरेज में आराम से हैंडल कर सकते हैं। कंक्लूजन ये हुआ जनाब कि नो मैटर जिस भी टाइप का हमारे पास डाटा आ रहा है, अरेज हमारे पास मौजूद हैं, तो न्यूमेरिकल अरेज का ये मैजिकल लैम्प हमारे लिए वो सारे के सारे काम आसान कर रहा है जो डेफिनेटली किसी भी और डाटा सेट में पॉसिबल नहीं है। पाइथन में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अरेज को आप ये समझ लें कि सी की सारी फंक्शनैलिटीज़ ये लेके आ रहा है अपने अपने पास एक डॉट के थ्रू, और जो है हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके से वर्किंग हो जाती है अरेज में। हम अपने डाटा को कितने तरीके से हैंडल करते हैं, चाहे वो स्टोरिंग की बात हो, एक्सेस करने की बात हो, उसके मैनिपुलेट करना है, या और डिफरेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस करने हैं, और लास्टली डेफिनेटली जो हमारा काम है कि हम डाटा के क्लीन करेंगे, इसके ऊपर डिफरेंट वर्किंग करेंगे, कंक्लूज करेंगे, और फिर क्या करेंगे जनाब, आपके अपनी कंपनी या जो भी डाटा सेट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्रिडिक्शन लेंगे इस डाटा के साथ, जो कि डेफिनेटली हम करेंगे। तो अगर हम बात करें कि लिस्ट और वर्सेस अरेज की पाइथन में, तो बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं। वो ये समझते हैं कि लिस्ट और अरेज एक ही चीज़ है। नहीं जनाब, बिल्कुल एक चीज़ नहीं है। लिस्ट की लिमिटेशंस हैं, अरे हमारे पास अनलिमिटेड है। लिस्ट में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स डाल सकते हैं, अरेज में आप ऐसा नहीं कर सकते। अरेज में आपने सिर्फ एक सिंगल जो भी डाटा टाइप डालनी है वो डालनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप मिक्सचर ऑफ डाटा टाइप्स अरेज में डाल सकें। अगर हम बात करेंगे जी कि हम अरेज को लिस्ट के अलावा स्क्रैच से किस तरह से बना सकते हैं, तो अगर हम चाह रहे हैं कि जी कोई एक अरे बनाएं जिसमें सिर्फ जीरोस हों, तो जनाब जीरोस का फंक्शन हमें दे रहे हैं न्यूमेरिकल पाइथन। और जी जनाब, आप np.zeros लगाएंगे और हमने यहाँ पे दे दिए कि 10, यानी हमें 10 जीरोस चाहिए। डाटा टाइप हमने बता दिया इन, तो जी हम आपके पास अरे तैयार हो गई जीरोस की। अब यहाँ पे मैंने 10 लिखे हैं, आप 10 मिलियन बिलियन वट एवर जो आपकी रिक्वायरमेंट है लिख लें। अगर आपको 1 चाहिए अरेज बनाने के लिए, तो आप np.ones का फंक्शन यूज़ करते हुए, और यहाँ पे जैसे हमने फ्लोट का है तो 1 डॉट के साथ हमारे पास वो सारी की सारी अरे बन के आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कोई एक नंबर, जैसे 3.14 चाह रहे हैं, तो आप डायमेंशन दे दें 3.5 में क्या है कि 3 रोज होंगी और 5 कॉलम होंगे। तो ये जनाब 3.14 फुल का फंक्शन, जिसके अंदर आप दे देंगे कि जी कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, और कॉमा के बाद जो भी नंबर आप देंगे वो पूरी की पूरी अरे आपके पास तैयार हो जाएगी। अगर हम बात करें कि जिन्हें बेसिक्स नंपाई की, कि हम अरेज में इसके ऊपर और क्या कर सकेंगे, तो हम इसके साइज़ देख सकते हैं, इसका साइज़ क्या है, उसकी शेप देख सकते हैं, मेमोरी कंजप्शन देख सकते हैं, डाटा टाइप्स देख सकेंगे। हम इसके ऊपर इंडेक्सिंग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। जी जनाब, हम एक बड़ी अरे के अंदर से सब अरेज को जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ हम पाइथन में जो पहले कर चुके हैं, जो हम करते थे कि जी डॉट के साथ कॉलन के साथ जो है, वो हम अभी करके देखेंगे। तो आप देखिएगा कि हम सब अरेज को स्लाइसिंग कैसे करते हैं। हम अपने जी डाटा को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, उसकी रीशेपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डाटाज को
आप उसमें जहाँ ज्वाइन कराने की ज़रूरत हो तो ज्वाइन करा सकते हैं, और अगर हमें मुख्तलिफ एरेज को सेपरेट कराना है तो हम सेपरेट करा सकते हैं। तो चलें आए मिल के करते हैं फिर। आई होप सो कि आप लोग ने NumPy इंस्टॉल कर ली होगी। अगर नहीं की हुई है तो आपने इस तरह से करना है कि टर्मिनल के अंदर अपने लिखना है pip install NumPy और pip install pandas, तो आपके पास ये दोनों लाइब्रेरीज आ जाएंगी। उसके बाद जनाब आपने इस तरह से करना है कि डिफरेंट अरेज के ऊपर हम देखते हैं कि डायमेंशन जो है हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं उसको। सबसे पहले आप इम्पोर्ट कराएंगे NumPy को एज NP जो लिखा हुआ है, ये एक एलियाज है, सिर्फ जैसे निकनेम नहीं हम किसी को देते, ये एक निकनेम के तौर पर है। यहाँ पे आप NPA लिखें, PN लिखें, कुछ भी लिखें, इट्स अप टू यू, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि NumPy इसका जो है इसी से रिलेटेड NP ही सारे कोडर्स लिखते हैं, तो बेहतर होता है कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। लेकिन बताइए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपकी मर्ज़ी है कि इम्पोर्ट NumPy एज के बाद जो कुछ मर्जी लिखे। अलबत्ता ये होगा कि उसके बाद दोबारा हमें NumPy लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे कोड के अंदर हम जो भी एरियाज देंगे, जो नाम देंगे, उसी के से डॉट करके और जो भी आगे हमने जो फंक्शन यूज़ करना होगा उसको करेंगे। हम चूँकि यहाँ पे अरेज बनाने वाले हैं तो सबसे पहले ये करेंगे हम के जो है एक रैंडमली हमने अरेज जनरेट करानी है, तो हम ऐसे करेंगे रैंडम को सीड दे देंगे ज़ीरो। सीड का फंक्शन क्या करता है कि नॉर्मली ये होता है कि जब हम रैंडम करते हैं ना, 0 to 1 के बीच में हमारे पास नंबर्स आते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी नंबर पे फिक्स कर सकें। जैसे 10 तक के नंबर चाह रहे हैं तो 10 डाल दें, 100 चाह रहे हैं 100 डालें, 1000 डालें, तो इस तरह से हम इसको सीड करा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 0 पे करा दिए, तो सीड 0 देने की वजह से अब हम इस काबिल हो गए कि जब अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज डाल सकेंगे और रैंडम नंबर अकॉर्डिंगली जनरेट करें। तो हमने क्या किया जी, इम्पोर्ट NumPy एज NumPy किया, उसके बाद NumPy डॉट रैंडम, यानी NumPy के अंदर जो मौजूद है रैंडम का फंक्शन जी, उसमें के अंदर जो मौजूद है जना सीड का फंक्शन, उसको हमने कर दिया जी 0। अब इसको आप रन कराएं, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा डेफिनेटली, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे आना भी नहीं है, और ये रन हो चुका है, टिक मार्क आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने X1 के अंदर जो ना आप एक चाह रहे हैं कि 1-dimensional array डालें, तो NP जो एलियाज दिया था नाम डॉट रैंडम, NumPy का मौजूद रैंडम का फंक्शन जो कि हमें ये एक्सेस देता है कि हम रैंडम नंबर जनरेट करा सके, डॉट रैंड ऑफ इंट। यहाँ पे रैंड में हमारे पास जो है रैंड ऑफ इंट भी आता है, रैंड ऑफ फ्लोट भी आता है, और सिंपल एक रैंड भी आता है। तो यहाँ पे हम इंटीजर चाह रहे थे तो हमने रैंड इंट यूज़ किया। बाय द वे अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप सिंपल से ना कोड वाले इसमें लिख के ना हेल्प और उसके अंदर रैंड डालेंगे, ना NP डॉट रैंड डालेंगे, वो पूरी की पूरी आपको डिटेल दे देगा कि जी रैंडम क्या है, क्या क्या लेता है, किस तरह से होता है, सब कुछ आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे रैंड इंट के अंदर हमने 10 डाला है, यानी हम चाह रहे हैं 0 से लेकर 10 तक जो है हमें जो है वैल्यूज पे बना के दे अरे, और साइज हमने उसको दे दिया 6। ठीक है, तो ये 1-dimensional अरे में हमारे पास ये क्या करेगा, अब जो है ये एक अरे हमारे पास बना देगा 503379, ये एक अरे हमारे पास बन के आ गई है। ठीक है, और ये 1-dimensional अरे आपके सामने है, और साइज देख लीजिए कि इज इक्वल टू 6 हमने कहा था। तो यहाँ पे नीचे जो है एक 2-dimensional अरे बनाने की हम कोशिश करते हैं, X2 में हमने डाला है जी NP डॉट रैंडम, रैंडम का फंक्शन, उसके अंदर मौजूद जी रैंड इंट, उसके अंदर हमने कहा कि 0 से 10 तक, साइज हमने दे दिया 3x4 का, यानी फर्स्ट वन जो होता है वो रो होता है, सेकंड वन जो होता है वो कॉलम होता है, 3x4, यानी हमारे पास ये 3 rows और 4 columns का डेटा आने वाला है आपके सामने है, 3 rows हैं और 4 columns हो गए। ठीक है, तो 2-dimensional अरे ये हमारे पास बन के आगे। अब 3-dimensional अरे बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, सेम X3 में हमने डाल रहे हैं NP डॉट रैंडम, रैंड इंट 10 दे दिए, आप बेशक 100 तक डालना चाहिए, एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम 100 करते हैं तो क्या होता है। साइज जनाब हमने इसको दे दिया 3, 4, 5, यानी 3 rows 4 columns और 5। तो जनाब हमारे पास ये X3 के अंदर ये आ जाएगा, हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे नंबर नोट किए 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ये 100 तक जाएगा, और ये हमारे पास अरे इसने 3-dimensional अरे हमारे पास आ चुकी है। अच्छा
अच्छा, इसके अलावा हम आप क्या कर सकते हैं इस डाटा के ऊपर, अगर हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद है और अगर नंबर ऑफ डायमेंशन आप उसकी मालूम करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर X3 बनाया और हम चाह रहे हैं कि जी बताएं जी इसकी डायमेंशंस कितनी हैं, कंफर्म करना चाह रहे हैं आप, तो हम प्रिंट करा रहे हैं। ये जो कोट्स में लिखा है डेफिनेटली वो तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और कॉमा के बाद X3.ndim, यानी एंड डिम हमारे पास ये एक फंक्शन है कि जिसके थ्रू हम डायमेंशन एंड यानी नंबर ऑफ डिम डायमेंशन, ठीक है, कि हमारे इस डाटा का, यानी हम यहाँ पे X3 का मांग रहे हैं कि X3 के नंबर ऑफ डायमेंशन हमें प्रिंट करके दे दो, हम सिंपली इसको ये कह रहे हैं। और ये हमारा ऑर्डर मानते हुए जनाब हमारे यहाँ पे प्रिंट करा के दे रहे हैं X3 एंड डिम कॉलन, ये हमारा जो कोट्स में दिया हुआ था हमने, और वो दे दिया उसने 3, कि यानी आपका X3 जो है वो 3 डायमेंशन है। तो आप किसी भी टाइप का जब डाटा होगा आप जानना चाहते हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी है, तो आप इसको यूज़ करें एंड डिम को, तो वो आपको दे देगा कि डायमेंशन कितनी है। इसके बाद हमारे पास एक और फैसिलिटी यहाँ पे है कि हम अपने जो है साइज़ ऑफ ईच डायमेंशन भी मालूम कर सकते हैं कि टाइप इसकी साइज़ कितनी है, शेप भी मालूम कर सकते हैं कि जी शेप कितनी है, तो शेप में साइज़ ऑफ ईच डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए शेप का फंक्शन मौजूद है X3 की, हम कहते हैं कि जी हमें प्रिंट करा के बता दो कि जी X3 की शेप कितनी है, तो वो कह रहा है कि 3×4×5, डेफिनेटली हमने यही दिया था कि इतने रोज इतने कॉलम्स होते हैं, तो ये 3 डायमेंशन अरे की ये शेप उसने हमें बता दी कि जी ये इस शेप में आपका डेटा मौजूद है। इसके अलावा अगर हम चाहें कि जी टोटल साइज़ मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास साइज़ का फंक्शन मौजूद है। हम जनाब अपने डाटा को दें नाम देंगे X3, हमारे पास डाटा है, हम उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं X3.size, हम उसको कहते हैं कि जी हमें टोटल साइज़ बता दो कि जी टोटल अरे का टोटल साइज़ कितना है, तो वो हमें मल्टीप्लाई करके दे देगा 5×4×3, और ये हमारे पास साइज़ आ गया टोटल 60। दोबारा बात करें, हमने बात की कि हम 1 डायमेंशन अरे बनाएंगे, तो उसमें सिंपल आपने एक नंबर ही पास करना है, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा ऊपर से। देखिए कि सीड में हमने क्यों डाला था, हम चाह रहे थे कि हमारे कंट्रोल में रहे, कि हम रैंडमली तो जनरेट करा रहे हैं लेकिन कहाँ से कहाँ तक हो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने सीड किया। उसके बाद हमने 1 डायमेंशन अरे में जो है साइज़ दे दिया 6, उसने 1 डायमेंशन हमें अरे दे दिए, हमने फंक्शन कौन सा यूज़ किया है np.random.readin, यानी np के अंदर मौजूद रैंडम फंक्शन, उसके अंदर मौजूद रेड इंट जो है वो हमने यूज़ किया, हमने 10 का नंबर दे दिया और उसके बाद साइज इज इक्वल 6, तो 1 डायमेंशन अरे हमारे पास बन के आ गई। उसके बाद 2 डायमेंशन अरे में हमने रो और कॉलम देने थे, तो 3×4 रो इंटू कॉलम दिया, तो हमारे पास जो है ये 2 डायमेंशन अरे बन के आ गई। 3 डायमेंशन अरे बनानी थी तो हमें 3 नंबर दिए, 3×4×5, और हमारे पास 3 डायमेंशन अरे बन के आ गई। नंबर ऑफ डायमेंशन मालूम करने के लिए जी हमारे पास एंड डिम है, यानी एंड नंबर ऑफ डायमेंशन, तो एंड डिम को यूज़ करके नंबर ऑफ डायमेंशन हम मालूम कर सकते हैं। अगर हम शेप मालूम करना चाह रहे हैं कि शेप में कितने रोज कितने कॉलम क्या शेप है, तो उसके लिए जनाब हमारे पास डॉट शेप है, तो हम अपने जो भी अरे उसका नाम लिखेंगे X3 डॉट, और उसके बाद शेप डालेंगे, तो वो हमें उसकी शेप में बता देगा जी कितने रोज कितने कॉलम्स क्या है। उसके बाद अगर टोटल साइज़ मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जी साइज़ का हमारे पास मौजूद है, वो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल साइज़ हमें बता देगा। यहाँ तो हम VS Code यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी साइड पे, ये जो इसका मतलब होता है कि जब यहाँ पे ना कोड रन कर चुका है, यानी कमांड मोड में है, ठीक है, रन हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे VS में काम नहीं कर रहे, डायरेक्टली नोट पैड पे जो है नोटबुक पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ी सी देखनी होगी कि ये जो ब्लू हमें नज़र आती है साइड पे लाइन, इसका मतलब होता है हम कमांड मोड में, यानी कमांड मोड में यानी रन करने की पोजीशन में। और अगर साइड पे ग्रीन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हम एडिट मोड में होते हैं। अलबत्ता विजुअल स्टूडियो में हमारे पास यहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप यहाँ पे मैं कर्सर रखती हूँ, आप पढ़ें एग्जीक्यूट अबव सेल एग्जीक्यूट बिलो सेल, और ये सारी फैसिलिटीज़ हमें यहीं पे जो है मिल रही थी। इसके अलावा मोर फंक्शन में और भी फंक्शनलिटीज़ हैं, आप खोल के देखिएगा अगर VS पे काम करें। लेकिन अगर डायरेक्ट नोटबुक पे आप काम करें, तो आपको ये ब्लू और ग्रीन का पता होना चाहिए कि कब आप एडिट मोड में, यानी साइड वाली लाइन ये ग्रीन होती है तो हम एडिट मोड में होते हैं, और अगर जो है वो ब्लू होती है तो हम कमांड मोड में होते हैं। और कोई भी फंक्शन हमने करना है, डिलीट करना है, सेल अबव सेल बिलो लेना है, तो हम कमांड मोड में होंगे तो तभी वो चलेगा, एडिट मोड में वो नहीं चलेगा, तो हमें उसको लेके आना होता है।
इसके अलावा जो है, अगर VS Code में तो इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप नोटबुक पे काम कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आपको समटाइम्स ज़रूरत पड़ती है कि आप सेल अबव या सेल बिलो लें। तो इसके लिए आप एस्केप का बटन दबा के ए प्रेस करें तो ऊपर एक सेल आपके पास आ जाता है, और अगर एस्केप का बटन दबा के बी प्रेस करेंगे तो बिलो आपको एक सेल मिल जाता है। और इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ सकती है जनाब के अगर किसी सेल को डिलीट करना, यहाँ तो हमारे पास आसानी है कि ये आपके पास जो है डिलीट का यहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जनाब नोटबुक पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं वहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एस्केप प्रेस करेंगे और उसके बाद डबल डी 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 दो दफ़ा करेंगे, तो आपके पास जो है वो सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर अबव सेल लेना चाह रहे हैं तो एस्केप की प्रेस करके ए प्रेस करेंगे तो सेल अबव आ जाएगा, और अगर बी प्रेस करेंगे तो सेल जो है बिलो आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ये हल्का सा इंट्रो कराया आज कि अरेज एक्चुअली बनानी कैसे हैं, और आपको ये समझ आ जाए कि हमने डाटा सेट के ऊपर जब काम करना है तो टोटली अरेज के ऊपर ही करना है, और अरेज इतनी पावर रखती हैं कि हमें ये सारी हम डाटा को यहाँ पे बना भी सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, उसके अंदर मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे कि एक डाटा सेट बनाएंगे और ये सारी की सारी शेप्स सेल्स इसके ऊपर प्रॉपरली काम शुरू करेंगे। उसके बाद जो है हम एक दो जो है डाटा सेट्स डाउनलोड करेंगे कैगल से और उसके ऊपर वर्क करेंगे। पहले डाटा को बनाएंगे, उसके ऊपर मैनिपुलेशन करेंगे, फिर डाटा की क्लीनिंग करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, और फिर डेफिनेटली हम क्या करने वाले हैं जी, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे जी, कंपटीशन में हिस्सा लेंगे कैगल पे। ओके, स्टे ट्यून्ड। ये जितना काम करा है इसको थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक डाटा सेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।